रणबीर कपूर ने शाहरुख सलमान समेत सबको दी मात। एशियन फिल्म अवार्ड्स में संजू सबसे आगे। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2019 के नॉमिनेशन लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट में रणबीर कपूर की फिल्म संजू बेस्ट फिल्म के अवार्ड की दौड़ में सबसे आगे है। संजू को 6 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत भी पीछे नहीं रहे, 2.0 को बेस्ट विजुअल कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। वेबसाइट Variety.com के मुताबिक साउथ कोरियाई डायरेक्टर चांग डोंग की फिल्म बर्निंग को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं। बेस्ट फिल्म के लिए जिम्पा, डाइंग टू सर्वाइव और शॉपलिफ्टर्स भी संजू को टक्कर देने के लिए लिस्ट में शामिल है। हांगकांग में इन नॉमिनेशन का ऐलान किया गया है, जबकि अवार्ड फंक्शन का आयोजन 17 मार्च को हांगकांग में ही होगा। रणबीर कपूर की फिल्म संजू 29 जून को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 341 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म संजय दत्त की बायोपिक है, जिसमें रणबीर कपूर के अलावा विकी कौशल, परेश रावल, दिया मिर्जा, जिम सरभ और अनुष्का शर्मा भी मुख्य किरदार में हैं। वहीं रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 कलेक्शन के मामले में 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। साइंस फिक्शन पर आधारित इस फिल्म ने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की है। खबरों की माने तो अकेले अमेरिका में 2.0 कुल 100 स्क्रीन पर रिलीज हुई। लाइका प्रोडक्शंस चीन की मशहूर प्रोडक्शन कंपनी HY मीडिया के जरिए चीन में 2.0 को रिलीज करेगी। रजनीकांत की फिल्म चीन में लगभग 56,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। फिल्म जानकारों की माने तो अगर 2.0 को बड़ी ओपनिंग मिली तो ये बहुत बड़ा धमाका कर देगी। चीन में इतनी स्क्रीन्स पर अभी तक हॉलीवुड फिल्में ही रिलीज होती आई हैं।